हेलो मैम, हाय, कैसे हो आप लोग? हाय माधवी, हाय स्मिता, हाय सरिता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? मैम। ठीक है, आप कैसे हो? एज यूजुअल बहुत अच्छी। आज ड्रैपिंग की क्लास है, पता है ना? मैंने क्वीन सब रेडी रखे हैं। तो आप लोगों को ये पता है ना कि आप इस सबसे पहले तो स्मिता को कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2020। एंड माधवी आल्सो, वी आर नोटिस दैट हर वर्क कि मे बी वो चांसेस है, और हमारी टीम बनी है, आप लोगों के वर्क देख रहे हैं। एंड हैप्पी टू सी अमरीन का असाइनमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अमरीन, आप इसी तरह मेहनत करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमरीन आप कर पाओगे, बट आप कोशिश कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड बिनीता आल्सो डू हर वर्क। थैंक बिनीता इलस्ट्रेशन अच्छा है, बट असाइनमेंट उसका सही नहीं आ रहा है टाइम से। और फरहीन आल्सो, आप टाइम से असाइनमेंट करो ताकि आपको भी नॉमिनेट कर सके स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और स्टूडेंट ऑफ ईयर मतलब मैगजीन के फ्रंट पेज में आना बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ फोटो शूट होगा आप लोगों का डेली शो में, जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। एंड अक्टूबर का डेट फाइनल है स्मिता, और जैसे लाइनअप होगा मैं आपको बताऊंगी। फैशन वीक में आपको आना है, अपने डिजाइन प्रेजेंट करने हैं एंड आगे बढ़ना है। एंड माधवी, स्मिता, रियली एंड फरीन आल्सो, आप लोग जो वर्क कर रहे हो अभी, जो मैंने एक टास्क दिया था पैटर्न का, प्रैक्टिस का, एंड आई थिंक बिनीता भी बनाई है। बिनीता भी बनाया हो क्या? सरिता एंड खातून विंडो ओपन कर लो। जी सो मैम, दिस, दो बनाया था मैंने। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बने एंड मेरा नाम रोशन करें, एडी का नाम रोशन करें। आप लोग जहाँ पे भी रहे, सब लोग को पता चल जाए कि ये सारा मैम की स्टूडेंट है। एंड सारा मैम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करो। मैं बाकी स्टूडेंट्स लोगों को पता है डांटती हूँ कि तुम लोग को ना कद्दूकस कर दूंगी, बट तुम लोगों को मैं उतना नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या इमोशनली अटैचमेंट है। लेकिन अब मैं ठोकाई करूंगी, अब कद्दूकस नहीं करूंगी, मेहनत करना है सबको। एंड सरिता का भी असाइनमेंट आता था, बट अभी थोड़ा सा वो स्लो हो गई है। चल, वेल, कोई बात नहीं। एंड हेमो आज है, हेलो अदिति। मैम, अच्छी है। हाँ अच्छी है, तुम्हें अच्छी है। एंड आप लोग शो की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ऑन द फ्लोर आना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज डिजाइनर्स हैं एंड सेलिब्रिटी मॉडल्स हैं, एंड सेलिब्रिटीज आल्सो आ रहे हैं। तो आप लोग सब तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास कोटी हम तारीख से लोग पढ़ने जल्दी वाले हैं ड्रैपिंग। और जैसे कि हमने लास्ट हमने असाइनमेंट किया था ड्रैपिंग का, जिसमें हमने कुछ पैटर्न क्रिएट किया था, राइट? ये शो हो रहा है आपको? नॉट एक मिनट, सारे लोग ड्राइंग कॉपी निकाल के फटाफट, जब तक से मैं स्क्रीन पे डिजाइन्स ला रही हूँ, आप मैनिक्विन का अपर पार्ट बनाओ।
दिखा? Yes, ma'am. हाँ. So, आज की ड्रैपिंग में ये दिस इज द वेरी एक्सक्लूसिव डिजाइन्स एंड ऑल्सो वी आर यू नो डूइंग विथ नाइफ प्लेट. नाइफ प्लेट हमेशा वन साइड होता है. पहले हम लोग ने स्मॉल स्मॉल प्लेट्स लिया था, लेकिन अब इसमें सिर्फ हम टू प्लेट्स लेंगे. ठीक है, दिख रहा है? सबसे पहले आप इसे ड्रॉइंग कीजिएगा. जितने भी स्टूडेंट है फटाफट एक रफ ड्रॉइंग कीजिए. ठीक है, और जिसके पास मैनी क्वीन है वो मैनी क्वीन लेके रेडी रहे. एंड देन फैब्रिक और टाइम टेबल मैंने भिजवा दिया था, ताकि आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से मटेरियल के साथ रेडी रहे. ठीक है, तो ये आप लोगों की डिजाइन से फटाक से ये डिजाइन उतारे. मैं आप लोगों को जो भी बेसिक पैटर्न सिखा रही हूँ, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव और डिजाइनेबल पैटर्न. आप इसके साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. डाउन में अम्ब्रेला स्कर्ट अटैच कर सकते हैं, गाउन अटैच कर सकते हैं, प्लाजो पैंट अटैच करते हैं. यू कैन मेक इजी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन विथ इजी मेथड. राइट है? यस मैम. एंड असाइनमेंट भी साथ में लिखाऊंगी, क्योंकि अब आप लोगों का एजुकेशन जो है और सीरियसली करना है, क्योंकि अब नेहा मैम अदर ग्रुप्स अदर बैच में बिजी हो गई हैं. आप लोगों का असाइनमेंट मैं यहीं पे लिखाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और आप लोग सीनियर्स हैं, आप लोगों को पता है कि करना क्या है. असाइनमेंट आपका ये है कि सेम पैटर्न में आपको स्केचिंग बनानी है. कितनी? 6 स्केचिंग. कितनी? 6 स्केच बनाओगे. अपर पैटर्न सेम रहेगा, नीचे आप एक में प्लाजो डालोगे, एक में स्कर्ट डालोगे, एक में अदर यू नो आप अपनी क्रिएटिविटी एंड डिजाइन सोर्स इस्तेमाल करके अलग अलग पैटर्न क्रिएट करोगे. एंड आई थिंक इज वेरी इजी. हम लोग को अपर पैटर्न मिल गया है, तो हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं एंड अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं. सिर्फ स्टडी करना ही नहीं सिखाता आर्ट एंड डिजाइन, आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना भी सिखाता है. इसलिए आप सबको मैं इन्वॉल्व करती हूँ वर्क में, आप लोगों को इन्वॉल्व करती हूँ पैटर्न इन डिजाइन में. दैट इज द क्लियर? यस मैम. यस मैम. एनी डाउट? आराधना, तुम्हारा तो फेवरेट है ड्रैपिंग. असाइनमेंट का पहले वाला जो मैंने पैटर्न भेजा था, माधवी ने पैटर्न बना के भेजा. आप लोगों ने जो पैटर्न बनाया था, स्मिता, माधवी एंड विनीता, सोमिदा असाइनमेंट, सोमिदा असाइनमेंट मैम मैंने भी भेजा था. सरिता सोमिदा पैटर्न बेटा, मतलब टॉपर स्टूडेंट अलग से अपनी क्रिएटिविटी दिखा देते हैं कि भैया हम मेहनत करने वालों में से हैं और हम मेहनत करते हैं. देखो कितना प्यारा. एक्चुअली सरिता तुम ना मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ये सरिता वाला डिजाइन भेजा था कि इसमें बनाओ, लेकिन आप लोगों ने अलग अलग पैटर्न क्रिएट किया. दैट इज आल्सो वेरी गुड. राइट? एंड बिनीता का भी बहुत सुंदर है, झलक का भी. आप लोगों को पता है अगर ये पैटर्न आप लोग फैब्रिक पे उतार के बनाएंगे तो दिस इज द एक्सक्लूसिव एंड डिजाइनर आउटफिट. Yes, ma'am. So hopefully, yeah. And I think Amreen ने भी बनाया था ना. Amreen, देखो Amreen बना सकती है यार, तो कोई भी बना सकता है मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. And Madhvi also done. And Farin Kadri, कहाँ है ये pattern का illustration? काश ये लैपटॉप में घुस के मेरे को आने का मौका मिलता तो ना. जो जो कोढ़िया बसंत थे स्टूडेंट है ना, सबको बहुत ठोकती थी, अंदर घुस घुस के पिटती थी. ऑप्शन नहीं है ना. है फरीन कादरी, तुम लोग को डांटते डांटते मेरे को गर्मी भी लगनी शुरू हो गई. चलो जल्दी से कर लिया डिजाइन, बना लिया? नो मैम. जल्दी करो, मेरे बातें सुनने में तमग्दमुग्ध हो जाते हो कि तुम लोग को.
जल्दी करो पैटर्न, फिर हम ड्रैप करेंगे इसका। फैब्रिक कौन कौन लेके रखा है? एंड मैनी क्वीन जिसके पास है वो, स्मिता आपके पास है ना ड्रैपिंग फैब्रिक, मैनी क्वीन का मसलिन फैब्रिक? सरिता आपने ले लिया मैनी क्वीन? नो मैम, बोला हुआ मैम, हो सकता है 3-4 दिन में आ जाए। सरिता तुम्हारे यहाँ फेस्टिवल वगैरह कब खत्म हो रहा है? इट्स लाइक दैट बिकॉज आई हैव टू प्लान यू नो तुम्हारे उस साइड आने का, कुछ मेरा वर्कशॉप का डिस्कशन चल रहा है। मैम जसपुर बगीचा बगीचा एंड अंबिकापुर समथिंग है। इट्स नियर मैम, हाँ तो मुझे कॉलिंग आ रही थी तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ अभी, तो मैं बहुत फुल बिजी हूँ, नवम्बर दिसंबर पैक्ड हूँ मैं। नहीं अच्छा मैम, एक्चुअली अभी मैं भी बिजी हूँ तो अभी मकाना नहीं, इतने एप्स मिल नहीं पाऊंगी। इसीलिए तो इस साल का कोई प्लान नहीं है, मे बी 2022 मैम, क्योंकि मैं इसी वजह से अपने असाइनमेंट भी टाइम पे नहीं कर पा रही। ओके कोई नहीं, चलो फटाफट ये स्केच, कितना आसान स्केच है, आप लोगों ने 10 से 20 मिनट लगा। डन मैम, चलो दिखाओ। आराधना? यस मैम। सरिता का ठीक है और, लेकिन अच्छा बनाना और फेयर बनाना, तो इसमें तो यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। चलो ओके, एंड टेक द फैब्रिक बायस में, जैसे हमने काउल नेक बनाया था ना साइड कॉर्नर करके, याद है? और हम उसको 3 प्लेट्स लगाएंगे। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैं पहले समझाती हूँ करना क्या है, ठीक है? फैब्रिक बायस में लिया, देखो स्ट्रेट नहीं है बायस में, सपोज मान के चलो ड्रॉ, ये फैब्रिक है अपना, ठीक है? ये इस साइड का फैब्रिक को फोल्ड करके डाउन करना, ठीक है? और सेट करना इस तरह से, सेंटर कट लगा के यहाँ पर से एक कट लगाना, क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? अब इस वाले फैब्रिक को शोल्डर पे सेट करना, कहाँ पे? यहाँ पे ओवरलैप, और ये तभी पॉसिबल है जब क्रॉस में होगा, फिर एक ओवरलैप यहाँ पे आएगा और फिर उसके बाद यहाँ से आप फिनिशिंग करके कट कर देंगे, ठीक है? ये वाला क्लियर है? यस मैम। चलो ट्राई करो, अगर फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं डायरेक्ट समझाऊंगी यहाँ पे, पहले आप लोग तो कोशिश करो जो मैं बायस समझा रही हूँ। इतना आसान है, ये समझ में आ गया है ना कैसे करना है? यस मैम। लेकिन फैब्रिक स्क्वायर में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। और जिसके पास मैनी क्वीन नहीं है वो काइंडली बार्बी डॉल खरीद लो, कम से कम उसमें तो तुम लोग कर पाओगे, छोटा पैटर्न बनाओगे लेकिन पैटर्न तो क्रिएट कर लोगे। ओके मैम। Thank you.
मैम क्या हुआ अटक गए? धन्यवाद। हाय स्मिता करो करो कट लगाओ पूरी का हां दूसरा साइड कैसे डालूंगा बी से कट किया है ओ यार यहां बीट से कट करना है हां ये देखो ओके क्या यार तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो क्लास को सारे बच्चे देखो इधर मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका जो फैब्रिक है दिमाग बुद्धि कहीं और रहता है क्या तुम लोग का ये देखो बायस में लेना फैब्रिक लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए ठीक है ओके यस मैम जैसे कि हम लोग डाउन आते हैं ना तो कम से कम 10 इंच डाउन आके आप यहां से सेंटर लाइन से कट करना है आपको ये तभी तो फिट करोगे क्या कट करके महान आत्माओं मेरे बात को ध्यान दिया करो फिर ये प्लेट्स एक साइड सेट करना पहले छोटा प्लेट सेट करना फिर उसके बाद ऊपर लेप करना फिर ये वाला प्लेट सेट करना फिर ये वाला प्लेट सेट करना क्लियर है स्मिता यस मैम करो तो मैं देखूं ट्राई करो बनीता तुम फ्लोर पे करो कट करके मैनी क्वीन नहीं है तो क्या फ्लोर नहीं है क्या मैम हाँ एक मिनट तुम लोग ट्रायल लेने की पर एक मिनट दिस इज द फैब्रिक करेक्ट अब हमने क्या किया इसको इस तरह से फोल्ड किया क्लियर है ठीक है ये फोल्ड किया ये देखो ये फोल्ड किया क्लियर है ठीक है एंड देन फोल्ड करने के बाद ये अंदर फोल्ड होगा ना एक मिनट ये हमने कॉर्नर तक कट लगाया कहाँ तक जहां तक फोल्ड है अब इसको अंदर तरफ मोड़ के ये तुम्हारा सेट नहीं होगा ऐसे गले पे yes, एक इधर सेट होगा और एक इधर सेट होगा हमेशा ड्रैप बायस में होता है ये देखो सेट हुआ ऐसे ये देखो समझ yes, में आ रहा है ये सेट हुआ अब क्या करना है जिसका ड्रैपिंग नहीं है वो फ्लोर पे भी कर सकता है एक फ्लोर उठाओ और इसको ऐसे दबाओ इस साइड से देखो कैसे दबाइए yes, स्मॉल फैब्रिक में करो मैम हाँ झलक हाँ आपने फोल्ड कैसे yes, किया मैम आई वाज ट्राइंग हाँ वेरी गुड आप ठीक कर रहे हो कट दिया आप ठीक कर रहे हो कंटिन्यू करो हाँ एक और फ्लो एक और यहाँ पे नहीं नहीं एकदम नीचे मैंने एक्चुअली ये यहाँ पे जो ऐसे ये सलवट आ रही है मैम वो
सरिता आपको कमर तक जाना है, इधर देखो सारे बच्चे ओके आप लोग वहीं पे गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ तक आना है तभी तो, वो बीच में नहीं खत्म करना है। ये देखो इसका भी अंदर यहाँ तक आया है ना, ये देखो ये फोल्डिंग आपने जो लिया है ये देखो ये भी अगर गया है तो कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है यस ठीक है, ओवरलैप है, फिर ये यहाँ तक गया है तो एक के ऊपर एक छिप गया है फिर ये इधर यहाँ पे आया और फिर ये यहाँ पे आया है ओके मैम क्लियर है यस मैम। आराधना क्या हुआ मैम, वो नेक का मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैम, कैसे कट करना है मैम समझाती हूँ। कौन फैब्रिक ऐसे लंबे में होती है ठीक है ऐसे 40 होती है 40 ठीक है 40, अब इसको 40x40 का फैब्रिक कट करोगे तो तुमको स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये तुम्हें स्क्वायर फैब्रिक मिल गया 40x40 का। अब ये वाला भाग देख रहे हो ठीक है, उसको डाउन किए ठीक है 10 इंच डाउन किए ठीक है, अब जहां तक डाउन किए हो वहां से कट लगा दो तो ये तुम्हारा गले का मिल गया शेप। अब इसको सेट करो पिन करके और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करो, मैनी क्वीन दिखाओगे तभी तो मैं बता पाऊंगी ना। आराधना दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा मैनी क्वीन, देखो स्मिता बना ले रही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माधवी कुछ डाउट है? नो मैम। समझ में आ रहा बेटा? यस मैम। वेरी गुड। हाँ गुड, सही जा रहे स्मिता। सिर्फ दो ही प्लेट तो सेट करना है और बहुत आसानी से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सेटिंग करने आना चाहिए। हाँ स्मिता ठीक है, दिखाओ कितना बना। स्मिता कमर तक लाना था ना, ये पिन जो सेंटर पे डाला है ना उसको कमर तक लेके जाओ, वो सेंटर पे नहीं इधर कमर तक कितना है। एक मिनट मिलाओ जरा, इधर देखो स्मिता देखो, पहला लेयर लो है शोल्डर से। यस मैम, इधर ये शोल्डर से लेयर लो और इसको यहाँ पे खत्म करके पिन लगा दो ठीक है, फिर ये वाले शोल्डर से उठाओ और इसको यहाँ तक लगा के ये पिन लगाओ ठीक है, और फिर ये आर्म होल से लेके यहाँ पे सेंटर पे पिन लगाओ और ये आर्म होल से लेके सेंटर पे पिन लगाओ, बस ये दो स्टेप है जो ध्यान देने की जरूरत है। मैम
मैम मेरा दिखाओ। हाँ ठीक है, खातून को समझ में आ गया है, उसको नीचे फ्लोर पे एक बार फैब्रिक फ्लोर पे एक बार रैक सेट करो, ठीक किया है। पर अब तुम ड्रेस बनाओगी तो समझ में आएगा, किया तो ठीक है। मिता पिन खोल लो साले, सारे आराम से करो। यस मैम। मैम हाँ ठीक है मैम, पिन लगा वहाँ पे, पूरा कटना चाहिए सेंटर से। बंद करो बंद करो, नहीं कटना नहीं है, नहीं कटना है, उसके ऊपर ओवरलैप ठीक जा रहे हो, उसको हटाओ हाथ हटाओ, ठीक कर रहे हो। एक ले, एक लेयर और दो, एक लैप और दो, कमर के पास से एक लैप दो, कमर के पास से एक प्लेट उठाओ, हाँ वहां से एक प्लेट उठा के सेंटर पर लगाओ पिन, कमर के पास एक प्लेट उठाओ, हाँ वहां पर से प्लेट उठाओ, हाँ प्लेट उठाओ और सेट करो सेंटर में। आज तुम लोग प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं खुद समझाऊंगी। यहाँ पे कितना टाइम बाकी है फिर? मतलब मेरे बिना नहीं हो पाएगा क्या, मैं करूँ क्या? Yes, ma'am. सरिता का तो हो गया यार, देखो तो मस्त की है बंदी, लेकिन वो मैनी क्वीन के ऊपर समझ में आएगा। चलो मैं मैनी क्वीन लेके आती हूँ, तब देखे तुम लोग कोशिश करो। मेरे बिना पॉसिबल नहीं लगता तुम लोग का, 5 ही मिनट है। स्क्वायर फैब्रिक लिया तुम लोगों ने, देखो स्क्वायर फैब्रिक है, हमेशा मैनी क्वीन के लिए हम लोग बायस फैब्रिक रहते हैं, बायस फैब्रिक लेना मतलब क्रॉस में लेना, ट्रायंगल में, ये हमने लिया ठीक है। यस अभी क्या करना है, बहुत सिंपल बता दे रही हूँ ठीक है। दोनों शोल्डर पे पहले फिट करके इसका डाउन मेजरमेंट कर लो, चलो मेरे साथ करते चलो।
है डाउन नेक, वहां तक कट लगाना है, ठीक है? ऐसे स्ट्रेट कट लगाओगे, यही चीज मैं तुम लोग को पहले समझा रही थी लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे थे। जितना डाउन है उतने में से कट लगाना है, ये देखो कितना डाउन है, दिख रहा है? सब साथ साथ करो, नहीं तो पिटोगे मेरे साथ। ये मैंने कट लगा लिया और ये फैब्रिक अंदर आएगा, ये जो है ना ये फैब्रिक अंदर जाएगा। ये गला मिला कट के साथ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी, तुम लोगों को समझा के थक रही हूँ। हाँ मतलब गधे पंती की भी हद नहीं होती है, हमको कितना डीप रखना है उतना कट लगाना है, ठीक है? ओके मैम। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे पिन कर देना है, दिख रहा है ना सबको? आराधना यस मैम दिखा इतना क्या? Yes, ये देखो ये ऐसे आएगा, मैं तुम लोग को और डाउन दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे आया, क्लियर है? Yes, ma'am. अब क्या करना है हमको? Yes, एक 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 स्टेप लेना है शोल्डर से, ठीक है? तो पहले हम एक स्टेप लेके यहाँ पे शोल्डर पे पिन करेंगे, पिन लगा दिया। अब इसको क्या करना है, कहाँ पे जाएगा ये, कहाँ पे गया? कमर के पास, कहाँ पे गया? कमर के पास। तो पहले आपको कमर के पास नहीं लगाना, थोड़ा पहले लगाना है क्योंकि दूसरा ओवरलैप देना है, ठीक है? फर्स्ट लाइन के नीचे लगाना है, कहाँ लगाना है? अब ये जो दोगे तभी ये ओवरलैप इधर आएगा, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? देखो ओवरलैप हो रहा है, जैसे भी बन रहा है लेकिन बनाओ, आपको कोशिश करना है, कोशिश को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? पर कोशिश करना कि आपका जो डिजाइन है वो परफेक्ट आए, फैब्रिक आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है। ओके जो लाइन ये पकड़ोगे इसी लाइन को अगर कमर तक आप लोगों की आपको प्रैक्टिस में नहीं है तो आप लोगों को जहां तक की प्रैक्टिस में आ रही है आप वहीं तक ओवरलैप दो। ठीक है फ्रंट ओवरलैप दो पहले, हाँ तुमने गुड़िया का तो ठीक बनाया लेकिन फैब्रिक आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैम ये ना ये जो ये मैंने यहाँ एकदम मिडिल में लगाया मैम ये पिन, तो मिडिल में तो लगाने की जरूरत है ना, बिना मिडिल में लगाए कैसे करोगे? पिन तो मिडिल में लगाना ही है नहीं तो भागेगा फैब्रिक। हाँ ठीक है, इस मिता का डन, पर शेप देना है।
अच्छा इसमें दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, मैं स्क्रीनशॉट करा शेयर कराती हूँ। फैब्रिक की चौड़ाई ज्यादा होगी तभी जाके ओवरलैप आएगा और थिक फैब्रिक लगेगा, थिक फैब्रिक से ये सेटअप पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ठीक है, तो एक और ऑप्शन देती हूँ तुम लोगों को, एक ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है? आप लोग क्या करो, दो फैब्रिक लो ठीक है, एक पार्ट, एक मिनट, एक पार्ट से एक साइड का ओवरलैप करो, एक पार्ट से एक साइड का ओवरलैप करो, इट्स मींस ऐसे, एक मिनट, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जाके एक फैब्रिक को इस तरह ओवरलैप दे दो और एक को इस तरफ का ओवरलैप दे दो। समझ में आया? मैं फिर से समझा दूं, दो फैब्रिक लास्ट टाइम हमने लिए थे ना, दो अलग अलग फैब्रिक दोनों तरफ ओवरलैप करने के लिए, याद है लास्ट क्लास? याद है? वैसे करो, वैसे करके देखो। ये ऑप्शन में अगर तुम लोग को दिक्कत आ रही है तो टू फैब्रिक वाला ओवरलैप करो लास्ट टाइम जैसे किए थे। बेस्ट है। हाँ ठीक है, स्मिता का डन, मेरे को स्मिता का समझ में आया। स्मिता आप उसकी ड्राइंग स्केचिंग यानी स्मॉल पैटर्न बना लेना। और एक चीज और, हाँ ये तो खातून ने अच्छा किया है, देखो ओ, पहले तो आप फ्लोर पे ओवरलैप कर लो ठीक है। और एक ऑप्शन और बताती हूँ, पैटर्न कट इन करो बेसिक बॉडी के ऊपर का ब्राउन पेपर पे ठीक है, एंड फैब्रिक उसके ऊपर सेट करो एंड देन स्टिच करो ड्राफ्टिंग पैटर्न। क्लियर है? ब्राउन पेपर पे फ्लोर पे रख के फैब्रिक रख के जो बनाते हैं। क्लियर आया? yes, समझ में? तो आप उससे ट्राई करो, पहले छोटे पैटर्न बनाओ फिर बड़े पैटर्न बनाएंगे। क्लियर हो गया? ओके मैम, मैं एक बार और समझाती हूँ। आइसक्रीम दिख रहा है? yes, ma'am. फैब्रिक हमने लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बेसिक बॉडी कट की, ये हमने बेसिक बॉटिक ब्राउन पेपर में कट कर ली। अब क्या करेंगे, अब फैब्रिक ले लो और फैब्रिक से ओवरलैप दे दो। याद रखना शोल्डर से गया है यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे आया है सेंटर पे। क्लियर हो गया? yes, ma'am. फैब्रिक ब्राउन पेपर से कट करोगे, उसके ऊपर फैब्रिक पिन करोगे, फिर फैब्रिक को कट करके फिर स्टिच करोगे ठीक है। क्लियर हो गया? स्मॉल पैटर्न बनाओगे, मुझे भेजोगे, कोशिश जरूर करोगे। ये डिजाइन नहीं बनेगा, कोई और डिजाइन बनेगा, पर डिजाइन बनेगा। कोशिश करोगे तो यहाँ तक इस लेवल पे जरूर पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम लोग तो एडवांस लेवल की स्टडी कर रहे हो, हम लोगों को तो ये छूने तक नहीं मिला था। हम बेसिक